गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारी इमेज बनती है उसको हम किसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को, किसके सामने, मिरर के सामने। तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी अलग अलग इमेजें बनती हैं। इससे रिलेटेड इसके हमने कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, वो लास्ट वीडियो में आप देख चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देख लीजिए। उसके अंदर हमें दो पार्ट के अंदर डिस्कशन किया गया है, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ रखा, पोल और फोकस के बीच में, और उसके बाद फोकस के ऊपर। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा कोई बात नहीं, पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कौन से चैनल, आपका अपना सोमवीर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, और इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा ये थर्ड केस है, कौन सा केस है भाई, थर्ड केस है, दो केस हम पहले स्टडी कर चुके हैं। थर्ड केस में हमें क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया है, इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा कनकेव मिरर है, क्या है ये हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये क्या हमारा, इसका फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम पहले से ही पता है हमें क्या होते हैं। और यहां पर क्या होता है हमारा, ये पोल, क्या होता है पोल। अब हमें जो ऑब्जेक्ट रखना, अकॉर्डिंग टू केस हम जो स्टडी कर रहे हैं, कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहीं भी रख सकते हैं इसको, थोड़ा इधर या इधर कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में ही रखा जाएगा, नहीं, आप उसको अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रखना है। तो अब इससे जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो इसके लिए हमारे पास वही रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करती है, फोकस से पास होती है। तो ठीक है, हमने एक रे ली, ये क्या करती है, पैरेलल जाती है, कैसी गई, पैरेलल गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये क्या करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, ये क्रॉस करती है किससे, फोकस से। तो यानी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो फोकस से निकाल देते हैं भाई इसको, कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये इस प्रकार से फोकस से निकल गई भाई। तो ये कौन सी हमारी रिफ्लेक्टेड रेस, थोड़ा बहुत हाथ हिल रहा है इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब आप कॉपी में या नोटबुक में या एग्ज़ाम के तब भी बनाएं तो आप स्केल का यूज़ कीजिए, उसमें आपका डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और हाँ, एक बात का और नोट कीजिएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंसेज हैं वो भी अगर आप स्केल के साथ मेजरमेंट करके ले लें, जैसे कि हमारा जो फोकस है वो क्या होता है, आर बाई में टू का रिलेशनशिप है हमारा, यानी कि रेडियस का हाफ होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन सेंट, अगर आप ये 10 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये फोकस कितने पे ले, आप 5 सेंटीमीटर पे ले, हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है, तो आप 5 पे लीजिए, उसके बाद अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके डायग्राम्स बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल की कहाँ पर, इसके हेड से कहाँ गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से क्रॉस होती है हमारी, फोकस से क्रॉस होके जाती है। ठीक है, ठीक है सर, अब हमारी सेकेंड लाइन जो आती है, अब हम क्या करें कि अगर ये कोई रे ऑफ लाइट, इसी का हम अपोजिट यूज करते हैं इसी रूल का, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस करे, फोकस से, कहाँ से जाए, फोकस से। ठीक है भाई, ये लो सर, हमने यहाँ से रे ऑफ लाइट ली और ये कहाँ से क्रॉस करा दी, फोकस से। अब ये जब ये फोकस से जाती है हमारी, तो क्या करती है, पैरेलल जाती है किसके,
प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब इसको पैरेलल बना दो, पैरेलल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा अभी हमें, इस प्रकार से इस प्रकार से क्या आ गई, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गई। अब ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, जो ब्लू कलर में ले रहे हैं हम वो कैसी रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, और जो ब्लैक में ली गई है वो कैसी है, इंसिडेंट रेज है। कौन कौन सी, एक ये है इंसिडेंट रे और एक हमारी कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहाँ पर भी आप, कोई बच्चा ये पूछे कि सर हमें आपने कहा था कि जहाँ पर भी टू रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन भाई मैंने ये कहा था कि व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि जो रेज रिफ्लेक्ट होके कट करती है एक दूसरे को, वहां पर इमेज बनती है। कहीं कोई बच्चा सोचे कि यहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, नहीं, यहां पर क्या है, ये ब्लैक वाली क्या हमारी इंसिडेंट रे है और ये क्या है ब्लू, कैसी है, रिफ्लेक्टेड, यानी कि जहां पर दोनों ब्लू कलर की लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हमारी कहां बनेगी, यहां पर। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से बना देते हैं हम इमेज, ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इस इमेज को हमने नेमिंग दी हुई है कोई भी, जैसे ये ए है, ये क्या है बी पॉइंट था, तो बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डैश, और ये क्या आ जाएगा, ए डैश। अब अकॉर्डिंग टू, अगर इसके देखें तो कैसी बनती है हमारी इमेज, ये कैसी थी, स्ट्रेट सीधी थी, इरेक्ट थी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमने इरेक्ट में रखा, सीधा रखा हुआ था बिल्कुल, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, उल्टी, इन्वर्टेड बन रही है। तो पहली क्या है हमारी, कि जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो कैसी है, इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड, कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, रियल है, कैसी है, लार्ज है या स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट से, लार्ज है भाई, ये इतनी सी है, ये क्या है, ज्यादा बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या है, लार्जर है, किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो इमेज हमारी वो क्या हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन कैसी है, इन्वर्टेड है। तो अगर हमें ये पॉइंट्स नोट करने हो तो हम ये नोट कर सकते हैं, अगर हमें ये पॉइंट्स नोट करने हैं तो हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि इमेज कैसी है, बताइए, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल इमेज कैसी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी है भी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या है ये, इमेज है। कहीं कोई सोचे रियल एंड इन्वर्टेड लिख दिया, सर ये क्या है, ये इमेज है हमारी, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। हम किसके बारे में लिख रहे हैं पॉइंट्स, कि जो हमारी ये इमेज बन रही हो कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, अब कैसी है ये, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, कैसी है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहाँ पर बन रही है, देखो, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये पॉइंट है, ये क्या बने, उससे भी आगे बन रही है, यानी कि बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे बन रही है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बन रही है। तो ये था भी हमारा थर्ड केस। इसके अंदर जब भी आपको अगर नोटबुक में नोट करना है तो ए पॉइंट है, ए यहाँ पर इनको नेमिंग दे दीजिएगा, जैसे ये डी, ये एच मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से एच हमारी क्या जाती है, इंसिडेंट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करती है किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर एट पॉइंट एच, एंड रिफ्लेक्टेड रेज गो टू एच ए वन डैश, कहाँ जाती है, एच ए डैश पे जाती है, कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से, किससे क्रॉस करती है, फोकस से। सेकेंड रे आती है हमारी ए डी, जो कहाँ से क्रॉस कर रही है, फोकस से,
आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है हमारी, कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है एच, ये वाली जो लाइन थी इसको, और इसको कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है ए डैस पॉइंट के ऊपर, यहीं पर हमारी क्या फॉर्म हो जाती है, इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है हमारी वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रही है। ये था भी हमारा थर्ड केस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी किया करो, ठीक है, इससे यार हमारा भी हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक मिनट की वीडियो देखते हैं, सोचते हैं पता नहीं समझ आया या नहीं, और फिर बंद करते हैं और चले जाते हैं। नहीं भाई, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो तब भी देखो, पूरा देखो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप बीच में ऐसे छोड़ के जाएंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपके कंसेप्ट कब क्लियर होंगे, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। पूरा देखिए, कंसेप्ट आपके 100% क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर इन चीज़ों के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो ये चीज़ें मैं जो भी नोट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये किसके बारे में है, इमेज के बारे में है, यानी कि जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, किसके बारे में है, इमेज के बारे में है, ठीक है। रिलेटेड टू इमेज, की इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, जो भी होती है हमारी, उसके बारे में ये नोट कराया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ केस स्टडी करते हैं। अब कहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किस पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो हम फोर्थ केस को स्टडी करते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। अब आता है भैया हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमें कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। फोर्थ केस है हमारा, When the object is placed at the center of curvature of concave mirror, ये हमारा concave mirror लिया हमने, ये क्या हमारा center of curvature, कहाँ पर, at the point C, ये हमारा क्या है, center of curvature। F क्या है, focus, ये मैंने आपके लिए image पहले से draw कर दी क्योंकि थोड़ी straight line लगा के, ठीक है। अब ये क्या है, A, A B dash क्या था हमारे पास, एक object था, क्या था, object था। इसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट रूल का यूज किया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इट्स रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस, कहां से क्रॉस करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहां पर ये टकराती है इस पॉइंट पे, और ये ब्लू लाइन से हमें क्या दिखाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इस प्रकार से आती है हमारे पास, कहां पर आती है इस पे। और सेकेंड, अब जो फोर्थ रूल था हमारा वो क्या है कि एक रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है हमारे पास वो फोकस से क्रॉस करती है बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ पे, कनकेव मिरर के ऊपर, तो क्या करती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये इस प्रकार आती है। तो जहाँ पर ये दोनों मीट करती हैं वहीं पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए डैश। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ए डैश, क्या दिया भी, ए डैश। तो जो ये इमेज बनती है कहाँ पर बनती है, एट दी कर्वेचर। अब इसका मीन क्या हुआ कि भाई कर्वेचर की का जो ऑब्जेक्ट था हमारा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो भी कहाँ पर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही फॉर्म होती है। लेकिन रियल तो है इमेज जो हमारी, वो रियल होती है, लेकिन कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है, कैसी होती है, इन्वर्टेड। अब साइज में बड़ी होती है छोटी, तो दोनों की दोनों, जो दोनों की दोनों नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड सेम साइज, किसकी बनती है, सेम साइज की बनती है। क्यों, देखो सेंटर ऑफ क्रोसेशन, यहाँ से फोकस से क्रॉस किया पैरेलल आ जाता है, यहाँ से क्रॉस करता है फिर पैरेलल आ जाता है, इसके अंदर कोई लैगिंग नहीं है, कोई पीछे नहीं है, आगे कहीं नहीं जा रही। तो इमेज जो फॉर्म होती है हमारी वो क्या होती है, एट सेम प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, सेम प्रोड्यूस होती है, कैसी, जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज था हमारा। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की ही प्रोड्यूस होगी। तो अभी इसके अंदर कुछ जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो क्या क्या हैं, इमेज फॉर्म हो रही है जो हमारी उससे रिलेटेड,
इमेज फॉर्म्ड इज, कब हो रही है इमेज फॉर्म्ड, जब हमने क्या रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस किया, किस चीज को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, कैसी होगी है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर प्रोड्यूस हो रही है इमेज, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर हुई भई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हुई। सेकंड कैसी है, रियल है, बिल्कुल है सर, कैसी है, और इरेक्ट है, इन्वर्टेड, इरेक्ट नहीं है, ये कैसी है, इन्वर्टेड है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, क्या साइज कैसा है, ये पॉइंट्स आपको जब आप नोटबुक में करेंगे या एग्जाम में करके आएंगे तो वहां पर आपको लिखने पड़ेंगे सभी के सभी, क्योंकि इसी से हमें इमेज को किस प्रकार की फॉर्म हुई वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक। तो कैसा है इसका, सेम साइज, किसके सेम साइज, एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इस इमेज से जो हमें पता चला है इमेज के बारे में वो हमें ये पॉइंट्स पता चलते हैं। ये थे भाई हमारे फोर्थ केस। अब इसके अंदर हमने कहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, वहाँ से रे ऑफ लाइट डाली गई कहाँ पर, कनकेव मिरर के ऊपर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, क्रॉस करती है, किससे, फोकस से, ठीक है। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट आती है जो फोकस से आती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज ए डैश, वहाँ पर हमारी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। अब जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होती है, सेकंड रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, थर्ड क्या कहता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और कैसी होती है, सेम साइज की होती है, किसके सेम साइज, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये था भी हमारा फोर्थ केस, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद हम वो स्टडी करेंगे। केस फिफ्थ क्या कहता है अभी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे भी काफी दूर है अगर हमारा ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं तो। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना, पहले में हम कहाँ थे, फोकस और पोल के बीच में, उसके बाद फोकस पे, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे। अगर ऐसा हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर हो, देन ऑफ द कनकेव मिरर, किसका, कनकेव मिरर का, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मिरर लिया, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ये हमारा क्या होगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उससे भी दूर हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, क्या नेमिंग दिया, ए बी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही रूल्स हमारे पास, देखो रूल तो वही फोर है, हर जगह पे वही यूज करने हैं आपको बार बार, ठीक है, आप उन फोर में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो कहाँ से आ रही है, ए पॉइंट से, यानी कि ऑब्जेक्ट से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या करती है, फोकस से क्रॉस करती है, कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, तो निकालते हैं भाई फोकस से इसको, क्योंकि ये रूल है हमारा। फोकस से गई भी, ये हमारी क्या थी, रिफ्लेक्टेड रेज आई जो एस ऑब्जेक्ट से आई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फोकस से क्रॉस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हमने सेकंड रूल यहां पर यूज करते हैं, आप कोई भी रूल यूज करते हैं, अगर हम यूज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इट्स रिट्रेस इट्स ओवन पाथ, तो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ठीक है सर, हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं रे ऑफ लाइट को,
ठीक है भाई। अब आप सोचोगे सर आपने ये ब्लू ही ले ली इसके अंदर, ब्लू मैंने इसलिए ली है भाई क्योंकि ये क्या करती है, रिट्रेस करती है इट्स ओवन पाथ। ठीक है, क्या करती है, रिट्रेस करती है इट्स ओवन पाथ, यानी कि जिस रास्ते से वो आती है उसी से वापस चली जाती है। ये ब्लैक सिंबल मैंने इसीलिए लगाया है इसके ऊपर कि ये किसके लिए है, आने वाले के लिए, और ब्लू जाने वाले के लिए। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते से वो आई थी उसी से वापस चली जाती है। अब इसी से ये वापस चली गई, इसी से आई थी, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। अब ये जो रे आ रही है हमारी कहाँ से आती है, वैसे तो ए पॉइंट से, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट बना हमारा, ए डैश। तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, तो ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई, किसकी, ए बी की। कैसी, ए डैश बी डैश, तो क्या बनती है हमारी यहाँ पर, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, आपको बड़े आसान है ये, बस आपको ये फोर रूल्स याद होने चाहिए, सभी में वही रूल अपनाने हैं। बस आपको कोई कहीं पर भी पूछ ले, कहीं पर भी कह दे कि भाई यहाँ पर है ये, इसका फोकस है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, तो आप मिनटों के हिसाब से इनके डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये लिखना कि इमेज फॉर्मड इज, कि इमेज जो हमारी बनी है वो कैसी बनी है, अगर हमें वो बताना है तो कैसी बनी है। आप सभी बता सकते हैं इसके अंदर, बताइए भी, रियल है, बिल्कुल है सर, इन्वर्टेड है, यस सर, बड़ी है या छोटी है, स्मॉलर है, किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कहाँ पर बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बस यही तो हमें बताना होता है, और क्या बताना होता है, कहाँ बनती है हमारी, बिटवीन दी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज फॉर्म्ड इज, फर्स्ट क्या आता है, बिटवीन दी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर बनती है भाई हमारी इमेज, देखो जो हमें दिखाई दे रहा वही लिखना बस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या हमारा फोकस, तो कहां पर बनती है, बिटवीन द फोकस, क्या इमेज फॉर्म हो रही है हमारी कहां पर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या कहता है, कि ये इरेक्ट है या कैसी है, कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, रियल है सर, तो सेकंड पॉइंट इज, सेकंड इज रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसकी कंपैरिजन में ये स्मॉलर है या लार्जर है, तो स्मॉलर है, कैसी है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर देन दी देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, क्या है, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, ये छोटी है। ठीक है, यही हमें थ्री पॉइंट्स लिखने हैं, इसी के अंदर हमने इसकी सारी डिटेल्स बता दी, यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखते हैं तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पर बनती है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकंड क्या कहता है, रियल होती है भाई वो इमेज और इन्वर्टेड होती है, उल्टा बनती है, लेकिन कैसी बनती है, स्मॉलर साइज़ की होती है, यानी कि जो अगर आपको उसका साइज अगर 10 सेंटीमीटर है तो वो क्या बनेगी, 5 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ केस। अब जो हमारे पास लास्ट केस बचता है, कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से आई, इन्फिनिटी से। देखो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो हम ये मानते हैं कि वो रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल्स आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, पैरेलल्स आ रही हैं। अब हम सिक्स्थ और लास्ट केस है ये इसका, इसी को स्टडी करते हैं कि इफ़ रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी तो वो किस प्रकार होता है, अभी स्टडी करेंगे। आप पहले ये नोट कर लीजिए, सिक्स्थ केस भाई, सिक्स्थ केस में क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी का क्या मीन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे कि सन या किसी स्टार से कोई लाइट आती है, तो ये देखो ये जो स्टार हैं या सन है ये हमसे मीलों की दूरी पर हैं, करोड़ों किलोमीटर्स की दूरी पर हैं हमसे, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो अगर ये एक पॉइंट मान लो, एक सोर्स भी है इनके पास, जैसे सन है अपना उसका, तो वहाँ से जब ये लाइट निकलती हैं तो क्या हो जाती है, जब वो अर्थ तक आती है तो हम उनको क्या मानते हैं, कि वो रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है।
कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो अब उनकी इमेज हमारी कहाँ और कैसे किस प्रकार से बनती है, अब हमने लिया कि ए और ए डैश ये टू रेज ऑफ लाइट्स आ रही थी हमारी, कहाँ से आ रही थी, सन से मान लो या किसी स्टार से मान लो, लेकिन हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी का मीन ऐसा डिस्टेंस जिसका हमें मेजर नहीं किया है, ठीक है। हालांकि जैसे सन का डिस्टेंस आपने मेजर किया हुआ, लेकिन क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है जिसको आप एक स्केल की हेल्प से नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी, रेज फ्रॉम इन्फिनिटी, ए और ए डैश आ रही हैं, टू रेज आ रही हमारी, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी रेज आती हैं। तो हमने इसके अंदर क्या किया, अब हमारे पास एक कनकेव मिरर लिया हमने, यहाँ पर क्या है ये इसका फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऑफ लाइट ली हमने, वो कहाँ से क्रॉस करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और हमें पता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्रॉस करती है तो क्या करती है, इट रिट्रेस इट्स ओन पाथ, वो क्या करती है अपने पाथ को वापस रिट्रेस करती है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड रेज ली, ये यहाँ पर क्या था हमारा पोल्स था ए पी, हमने क्या ली एक सेकेंड रेज ली जो क्या करती है पोल्स पर फॉल होती है, और हमें पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट्स पोल पे गिरती है तो मेकिंग एन एंगल इज सेम, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये भी थीटा था हमारा और ये भी क्या हो जाएगा थीटा ही होगा, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लू में आती है हमारी, दैट इज रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है। अब ये दोनों की दोनों कहाँ पर आके इंटरसेक्ट करती हैं, एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे आके ये दोनों क्या करती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, यहीं पर होगी। तो हम यहाँ पर हमारी क्या होती है इमेज फॉर्म होती है, तो इसको हम क्या नेम दे सकते हैं ए डैश बी डैश, तो क्या बनती है हमारी ए डैश एंड बी डैश इमेज फॉर्म होती है। अब ये देखो अगर मान लो कहाँ पर हुई है हमारी इमेज, फोकस के ऊपर, कहाँ पर बनती है इमेज फोकस के ऊपर, पहला क्या है कि हमारी इमेज कहाँ पर बनती है एट दी फोकस, इमेज फॉर्म कहाँ पर होती है फोकस के ऊपर। सेकंड पॉइंट कैसी है, रियल है, यस रियल है भी, या वर्चुअल है, नहीं वर्चुअल नहीं है, कैसी है ये रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो ये भी इन्वर्टेड है, कैसी है इन्वर्टेड। अब इसका साइज देखो बहुत छोटा है, अब अगर हमें जैसे सन का साइज अगर हम कोई इमेज देखते हैं आप मिरर के अंदर या मिरर के बाहर भी देखते हैं तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि सन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो फॉर्म इमेज तैयार होती है वो क्या होती है बहुत छोटी सी होती है। तो सेम उसी प्रकार से क्या है, बहुत दूर से रे ऑफ लाइट आ रही हैं और जो कि बहुत बड़े सोर्स से आ रही हैं, लेकिन जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है वेरी वेरी स्मॉल, कैसी हो रही है बहुत ही छोटी इमेज फॉर्म होती है। तो अगर हमें इन्हीं पॉइंट्स को अगर अभी नोट करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, द इमेज फॉर्म्ड कहाँ पर होती है, सबसे पहला पॉइंट हमारा एट द फोकस, कहाँ पर होती है भाई एट द फोकस। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भाई ये रियल है या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है या वर्चुअल है, कैसी है ये, तो हमारी कैसी है रियल है भी, क्योंकि मिरर से आगे बनती है, पीछे बनती तो कैसी होती वर्चुअल होती, तो ये कैसी है रियल। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती तो इरेक्ट, नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड, तो ये कैसी है रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या आएगा अभी हमारा, अब थर्ड पॉइंट में हम क्या बताते हैं साइज के बारे में बताते हैं, तो क्या है थ्री थर्ड पॉइंट मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, क्या बहुत ज्यादा छोटी है, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, क्या है बहुत ज्यादा छोटी है, किससे ऑब्जेक्ट से, ठीक है भाई। ये थे हमारे 6 केसेस ऑफ कनकेव मिरर, अभी हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी रहते हैं और कन्वेक्स मिरर भी रहता है अभी, ठीक है, तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नॉलेज गेन की है तो प्लीज़ भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके अपने वैल्यूएबल्स कमेंट्स या आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी बताइए कहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइबर का बटन नीचे ही होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ मुझे भी विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।